उसका कलर चेंज हो गया होगा, या फिर चेंज इन साइज, साइज चेंज हुआ होगा, या चेंज इन शेप, शेप चेंज हुआ होगा, चेंज इन पोजीशन हुई होगी, चेंज इन फिजिकल स्टेट एंड चेंज इन हार्डनेस, या फिर उसकी हार्डनेस चेंज हुई होगी। तो ये वो इफेक्ट्स हैं जब किसी भी चीज में चेंजमेंट होता है, तो ये इफेक्ट्स में दिखाई देते हैं। एंड सेकंड, कैन द सेम चेंज बी डिजायरेबल एट वन टाइम एंड अनडिजायरेबल एट अनदर? एग्जांपल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टू एग्जांपल्स। क्या कोई चेंज ऐसे भी होते हैं जो एक समय पे डिजायरेबल हो और दूसरे समय पे अनडिजायरेबल हो? अगर ऐसा है तो आपको दो एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। कौन सा? सम चेंजेस आर डिजायरेबल एट सम टाइम्स बट अनडिजायरेबल एट अदर टाइम्स। कुछ चेंजेस होते हैं जो डिजायरेबल एक टाइम पे होते बट अनडिजायरेबल अनदर। वी वांट द फायर टू लाइट अप व्हाइल कुकिंग। जब हम भोजन को बना रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि जो आग है वो जले जिससे कि हमारा फूड कुक हो सके, बट देन इट इज ए डिजायरेबल चेंज। तब तो ये डिजायरेबल है क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आग जल जाए। बट इफ द सेम फायर बर्न्स अवर बिलोंगिंग्स, लेकिन अगर वही फायर हमारी किसी भी हमसे बिलोंग करने वाली किसी भी चीज को जला देती है तो क्या होता है? इट बिकम एन अनडिजायरेबल चेंज। ये कैसा चेंज हो जाता है? अनडिजायरेबल, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मेरी कोई भी चीज जले। सिमिलरली इसी तरह से दिस रनिंग ऑफ एन एयर कंडीशनर इज डिजायरेबल इन समर बट इन विंटर इट बिकम अनडिजायरेबल। इसी तरह से जो एयर कंडीशनर चलते हैं ये समर में तो डिजायरेबल होते हैं पर विंटर में ये अनडिजायरेबल हो जाते हैं, क्योंकि हम समर में चाहते हैं कि एयर कंडीशनर चले बट विंटर में नहीं चाहते हैं कि वो चले। थर्ड, इज द डिफरेंट इफेक्ट्स प्रोड्यूस ऑन ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग एंड कूलिंग। हीटिंग और कूलिंग से ऑब्जेक्ट में कौन कौन से इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं? तो फर्स्ट, चेंज इन द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज में चेंजमेंट होता है। चेंज इन हार्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, उसकी हार्डनेस में चेंजमेंट होता है।